पुलिस आई है क्या? नहीं थॉमस, मारे जाएंगे। थॉमस किसी को छोड़ने वाला नहीं है। पता है क्या लेकर आया है वो? क्या? रिवॉल्वर लेकर आया है। क्यों शिवा, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मुझे तो लगता है कि वो थॉमस भी मर गया। शिवा! यही सोच रहा था, ये थॉमस तो भूतों का भी भूत है, पता नहीं हम लोग के साथ क्या करने वाला है। ए, शिवा कहाँ छिपा है तू? अरे बाप रे, इस थॉमस से कैसे जान बचेगी? कहाँ है तू? शिवा तुम ही हो ना? शराफत से बाहर आ जाओ। ए ए शिवा, तू ही है ना? जानता हूं मैं। गोली की आवाज, राजभाई उसने शिवा को मार दिया। राजभाई! रिया, अब इस सिचुएशन को मैं हैंडल करता हूं। राजभाई, I will be back। राजभाई मत जाओ, राजभाई। Are you ready?
रिया लाइट जला दो। शिवा मुझे कुछ मत करना, मुझे सिर्फ वो स्टोन चाहिए, सिर्फ वो मुझे दे दे, मेरी जिंदगी उसी में है, प्लीज यार। तेरी जिंदगी उन स्टोन्स में नहीं, इस गन में है। छोड़ दो मुझे प्लीज यार। मुझे देखकर चौंक गया ना, वो भी इस तेज धार चाकू के साथ। इस समय तो थॉमस नहीं सैंडविच हो गया है, पीछे गन आगे चाकू। अब तू क्या करेगा, जो करेंगे अपन करेंगे। एक काम करते हैं, मामला सेटल कर लेते हैं, मैं तो बस ऐसे डायलॉग मार रहा था तुम्हारे सामने। शिवा प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। ए, क्या कहा तूने, मेरी जिंदगी तेरे गन में है। तू मेरे सामने छोटा बच्चा है, अगर वो स्टोन अभी मुझे नहीं दिया तो इसकी गर्दन पर मैं ऐसा वार करूंगा कि। पुलिस ऑफिसर वो तो छोटा बच्चा है, मैं तो तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, मुझे छोड़ दो। नेपाली, नेपाली क्या किया तुम लोगों ने, हम लोगों को भी नहीं बताया था। महमूद की लुंगी पहनकर प्रेम चोपड़ा जैसा एक आदमी आया था, उसी ने इसे मारा है थॉमस, इसका पैर भी तोड़ा है, हमने कुछ नहीं किया है। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे दरवाजा, अरे भगवान दरवाजा खोल दे, अरे भगवान मेरी जान बचा ले, अरे भगवान दरवाजा खुल जा, अरे खुल जा। ए, कहां भाग रहा है, रुक। अरे क्या दरवाजा, अरे खुल जा, खुला। अरे शिवा दरवाजा खोल, दरवाजा बार बार दरवाजा बंद करके बच जाओगे क्या, खोल स्टोन चाहिए मुझे। शिवा तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। ओके शिवा, शिवा कितनी बार बोलूं दरवाजा खोले को, चुपचाप दरवाजा खोल दे। थॉमस भाई, नेपाली नेपाली मजाक मत कर, टाइम नहीं है मेरे पास, पहले से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तू परेशान मत कर मुझे, ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे। राज भाई अरे जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी चलो निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी स्टार्ट करो, हाँ जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी करो, कोने जल्दी आ, जल्दी कर जल्दी। मुझे छोड़ दो,
जय माँ चंडी काली चामुंडेश्वरी। राज भाई लेग पीस खाओगे? लेग पीस है क्या? लेग पीस तुम्हें जचेगी, मुझे सिंगल पीस रहने दो। एक बात कहूँ सर, ये नींबू माला पहन के आप एकदम साधु के जैसे दिखाई दे रहे हैं सर। तुम्हें तो सिर्फ मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैंने तो वो देखा है जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों को नींबू पानी पीने की जरूरत पड़ जाती है। इस नींबू की वजह से यहाँ बैठकर पानी पी रहे, वरना कब्रिस्तान में पड़े होते। तू जा भाई यहाँ से, जा जो ऑर्डर दिया है जाके लेके आ जा। शिवा डील खत्म कर। आजकल के लड़कों में कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भी काम ठीक से नहीं करते। कहाँ बोला था रखने के लिए और कहाँ रख कर आए थे ये पेटी। यूएस में जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं, दूसरों के शुक्राणु की मदद से न जाने कितने लोगों को मैंने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दिया है। बस यहीं पर मेरा बच्चा मेरा वंश बताते घूमते हैं। इसमें कुछ ऐसे सेंटिमेंटल इडियट्स भी हैं, किसी और का है बोलने पर मानते ही नहीं है। 100 में से बस 10 लोग ही मानेंगे। 10 लोगों से बिजनेस तो नहीं चलता है ना। बिजनेस चलता है जहाँ 100 लोग आते हैं उसे बिजनेस कहते हैं। मर्द के 23 क्रोमोसोम शुक्राणु स्त्री के 23 क्रोमोसोम अणुओं के साथ मिलकर ही गर्भ धारण होता है। वो मर्दों के 23 शुक्राणु किसके होंगे ये डिसाइड करने वाले हम हैं। वी आर द गॉड्स एंड इट्स ऑपरेशन 23 एंड दैट्स अ बिजनेस। इन सालों में कितनों के साथ ऐसा किया, अब तक कभी कोई परेशानी नहीं आई। अब तुम्हारी वजह से 3 क्लाइंट्स मर चुके हैं। प्रूफ है क्या? सैंडी बीन सर, ये स्पर्म बैंक असिस्टेंट है, तुम तो जानते ही हो। पेशेंट को बिना बताए 23 नंबर के स्टोरेज से इलीगली हम जो शुक्राणु फिक्स करते हैं उसके बदले में अपने शुक्राणु को बदलवा कर तुम उन्हें ही ब्लैकमेल करते हो। इनके जरिए क्लाइंट्स के डेटा भी ले लिए हैं। हमारी जानकारी के बाहर पेशेंट को इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। हम जो कर रहे हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम है। सब पर्दाफाश करके हमें भी मत फंसा देना। मैं ना मानू तो? मेडिकल में बहुत से एक्सक्यूजेस हैं, उनमें से कैसे बाहर निकलना है हम जानते हैं। तुम जो कर रहे हो वो व्हाइट कॉलर क्राइम है, तो मैं अब जो करने वाला हूं रेड कॉलर क्राइम। तुलसी रामकृष्णन से मिलना है। मैडम अभी मीटिंग में हैं, आप थोड़ा वेट करिए सर। थैंक यू। ट्रीटमेंट करते हैं उसमें इलीगली कुछ डॉक्टर्स केस करते हैं और उसका कोड है 23। उसे इमोशनल करके पैसे ऐंठती है ये ब्लैकमेल टीम। मनी 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 मेक्स इट ऑल। वो सब तो ठीक है अभिनय, आई मीन आपकी भाभी ब्लैकमेलर ने उनका कत्ल किया है ना? नहीं, अपनी सोसाइटी पॉइंट कर करके कैसे भी करके एक बच्चा पैदा कर दो, ये सोचने वाले साधारण मिडिल क्लास फैमिली की मेंटालिटी को गलत इस्तेमाल करके आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से ही मेरी भाभी सॉरी मिसेस अभिनया की मौत की वजह है।
सॉरी सर, मेडिकल साइंस की उपलब्धि को आप अपने हिसाब से गलत जोड़कर मत सुनाइए। क्या है मेडिकल साइंस? पैदा होने वाला बच्चा स्कैनिंग में लड़का है या लड़की उसका पता लगाना मेडिकल साइंस है? वो लड़की है जानकर उसे गर्भ में ही मार डालना उपलब्धि है क्या? नो, इट्स अ मेडिकल क्राइम। होने वाले बच्चे की वजह से माँ की जान को खतरा है, उसका अबॉर्शन करना मेडिकल साइंस है। लेकिन लव और लस्ट का अंतर जाने बिना गलती करके उसे सोसाइटी की वजह से डरकर अबॉर्शन करना उपलब्धि है क्या? इट्स अ मेडिकल क्राइम। ये भी उसी तरह है, बच्चा चाहिए उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे मेथड से लीगली बच्चा पैदा करना मेडिकल साइंस है, बट दिस इज अ मेडिकल क्राइम। पता है डॉक्टर्स को सभी भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि किसी की जान बचाता है, इसीलिए जान लेता है इसलिए नहीं। इलीगली जुर्म करने वाले डॉक्टर्स कौन कौन है उसका पता लगाने के लिए पेशेंट को ब्लैकमेल करने वाली पूरी टीम को पकड़ना है। उसके लिए लीड्स एंड एविडेंस ये है। ये चारों लोग ऑफेंस है, एक साथ एक ही घर में बड़े हुए हैं और आज तक एक दूसरे के साथ ही है। मेडिकल डिपार्टमेंट में ये चारों इन सभी की मेन वजह है। कर नहीं सकता इसीलिए भाग रहा है ना जॉन मैथ्यू? मेरे पीछे मत आना। तू अपनी वाइफ को तो खो ही चुका है, तेरे साथ नहीं रह सकी इसलिए तूने मार दिया। सही कह रहा है तू, मैंने ही उसको मार दिया। ए, कहाँ है तू? डॉक्टर से मिलने आया, अब मुझे ढूंढ रहा है। लेकिन अस्पताल में अपने गर्लफ्रेंड का तो ध्यान रख, वही लड़की मीना। ए, क्या बक रहा है तू? मुझे पकड़ने के चक्कर में उसे मत खो देना, थोड़ा थोड़ा मर रही है वो। कहाँ है वो? Thank you.
मेडिसिन पेट्रोलियम टॉक्सिलिन स्लो एंड पेनलेस अटैक्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉजिंग पैरालिसिस एंड इवेंचुअली डेथ पल्स कम होते होते इट्स लाइक आउट विजय I'm just not medically trained, Vijay, but also physically. डिसाइड कर लिया था उसके पेट में पलने वाले बच्चे का मैं ही बाप बनूंगा दोस्तों के लिए सिर्फ पैसा था लेकिन मेरे लिए इमोशनल अटैचमेंट था यस यस अचानक अबॉर्शन करने का फैसला कर बैठी जस्ट लाइक दैट वो कौन होती है मेरे बच्चे को मारने वाली दैट्स व्हाई ब्लडी किलर करते हैं वो गलत नहीं है या नहीं कह सकते सब ये कहते हैं कि माँ बनने के बाद ही एक औरत कंप्लीट होती है लेकिन ना जाने इस दुनिया में कितनी औरतें हैं जिनके बच्चे नहीं हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसे ये लोग कैसे मिसयूज कर सकते हैं ये सोचकर बहुत दुख होता है मुझे बिना बच्चों के न जाने हम कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन बिना माँ बाप के न जाने कितने बच्चे हैं उसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है क्या
ऑपरेशंस की पोजीशन क्या है? चेक इट अप। अमुनेशन की गाड़ी अभी तक नहीं आई और हमारा स्टॉक भी खत्म हो गया है। बारह साल से जानता हूं, मुंह से निकलने वाली हर बात पत्थर की लकीर है सहदेव साहब के लिए। तू चुप हो जा। कल आपने जो वहां पर मशाल गाड़ी थी वो सुबह तक चलती रहेगी। आप जरा पूरब की ओर देख लीजिए। सकते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते तो हम जिंदा क्यों रहेंगे? हम जीते हैं। लेकिन पहले आपने कर्नल राजा का सामना नहीं किया है। दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी इस वर्दी के रंग से है। वो मुझे नहीं पता, मगर मेरे सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा है और मेरा फर्ज है, मुझे घर जाना है। जीत के
एम सॉरी। तुम्हें तो मरना ही था मेरे देश के लिए। All units in the forwarding area, cease fire. I say again, cease fire. The Pakistan Army has surrendered to the Indian Army. All the Pakistani prisoners of war must be treated with humanity and dignity. All the commanders, make sure that these orders are carried out very strictly. ऑर्डर आ गया सीज फायर का। हो सके तो उन लोगों को एक और ऑर्डर देने के लिए कहो। यहां जो लोग मरे पड़े हैं उन्हें जिंदा करने का नामुमकिन है ना? इस युद्ध को शुरू करने की वजह ऐसा ही कोई ऑर्डर था। सत्ता के लिए पागल हुए दो व्यक्तियों के जुनून और स्वार्थ ने चीर कर रख दिया था हमारे भारत देश को। उस दिन शुरू हुआ यह युद्ध का सिलसिला। ऑर्डर हर बात के लिए ऑर्डर। जिंदा हूं तब तक हर साल इसी दिन दिसंबर 17 को एक बूंद आंसू तुझ जैसे जांबाज के लिए बहाऊंगा। यह वादा एक फौजी दूसरे फौजी के साथ करता है। ए, मुझे एक पेन और पेपर देना। सर। ऐ दोस्त, दिल चाहता है कि काश तुम मेरे देश के होते। पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से तुम्हें आखिरी सलाम। जय हिंद। तेरे देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि तू कितना बहादुर सिपाही था। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा। जय हिंद। बना देख। ए कन्हैया, मैं इनको दारू में डुबो दूंगा, जंग तो खत्म होने दो। अगर मुझे ऐसा कुछ हो जाए तो आमतौर पर भेजा जाने वाला तार मेरे घर मत भेजिएगा सर। युद्ध में जो खो जाते हैं उन्हें कुछ बोलते हैं ना सर? मिसिंग इन एक्शन। जीत गए।
हाँ, लेकिन ऐसी चीज जिसमें सिर्फ विनाश ही हुआ है, अब दोबारा कभी युद्ध ना हो और तुझ जैसे बहादुर योद्धाओं को देश को खोना ना पड़े, हम यही दुआ करेंगे। We will pray, no more wars. I'm a soldier. I'll walk. बेशक अगले कदम पर मैं मर ही क्यों ना जाऊं। राजा को पाक सरकार ने उनके सबसे बड़े सैनिक पुरस्कार से नवाजा। मेरे लाडले चिन्मय को परमवीर चक्र मिला। आज तक ये पुरस्कार पाने वाला सबसे कम उम्र का जवान। दादाजी, अब मैं समझ गया आपने मेरा नाम चिन्मय क्यों रखा है। You should also become a brave soldier. दादाजी। ये सब क्यों कह रहा हूँ पता है हा? युद्ध से कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता। सो नो मोर वॉर्स। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। सरोजा बहन, तेरा और तेरे बेटे का कुछ ज्यादा ही हो गया है। मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि मेरी तरफ मत आना, लेकिन तुम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की ना। ए, पहले तो मेरे साले को उठा के ले आया, फिर उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। हो सकता है मेरे साले ने कुछ गलती की हो ये सोच के मैं चुप रहा, लेकिन आज तूने मेरी घर की बच्ची को उठा लिया, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? ए, अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कल तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे। वो क्या है ना सेसप्पा, चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों सेसप्पा, बात जाने बिना ही चिल्लाने लगे? हाँ मानता हूँ मैंने किडनैप किया है, तो क्या कर लोगे बताओ? किडनैप किया? देखिए सेसप्पा जी, जो होना था सो हो गया। ये ना समझ है, बेवकूफ गलती कर बैठा। बचपन से ये ऐसे ही मारपीट करते हुए बड़ा हुआ है, इसे माफ कर दीजिए। देखिए दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेगा। नहीं चलेगा, पिछली बार भी तुम माँ बेटे ने ऐसा ही ड्रामा किया था, इस बार मैं माफ नहीं करूँगा। देखिए ऐसी बातें मत कीजिए ना, मैंने कहा ना ये बेवकूफ है, अनजाने में गलती हो गई। दिल बड़ा करके इसे माफ कर दीजिए, इसकी गलती की मैं माफी मांगती हूँ। सब कुछ भूलकर मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं, मुझे सब पसंद नहीं है, लेकिन इस बार क्या होता है वो मुझे देखना ही है। सुनो जीजू, बात कैसे करनी है तुझे पता नहीं है क्या? तू चुप करना, पहले तुम चुप रहो। अब तुझे क्या बकना है, चल भाग। संतू, तुझे पता है किसे उठा कर लाया तू? संभावना, मेरी बहन है वो। संतू सर, उही माँ। किसको डरा रहे हो, मैं भी बुलाऊं क्या? कहाँ हो मेरी बहना, 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 बहना। भैया मैं आ गई। देखा भैया, मुझे मेरा राजकुमार चाहिए, हम एक दूसरे को चाहते हैं भैया, प्लीज भैया मुझे राजकुमार चाहिए। कह रही है राजकुमार मुझे चाहिए, ऐसे कह रही है जैसे इसे वो मिल ही जाएगा। हमारे लड़कों को अंदर बुला रहे। भैया मुझे भी यही राजकुमार चाहिए। नहीं 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 नहीं, आओ माँ, क्या कर रहे हो? तुम्हारा दामाद यही है, अगर कोई आनाकानी की ना तो मैं इसके सपोर्ट में आ जाऊंगा। तू ऐसा क्यों कह रहा है, मैं भी देखती हूँ तेरे फैसले के खिलाफ कौन जा रहा है। अपने जबान पे कायम रहो, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे सपा देख, मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है। मुझे भी मेरी इज्जत प्यारी है। अरे अरे,
क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा? अरे जीजा जी भाग रहे, देखो भरे हो गए उसे। कोई मेरे पास इनकी तो कर रही हो, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। एक काम करते हैं, हम यहाँ से सीधे मड़करी जाएंगे। पता है मड़करी कितनी खूबसूरत है, और उसके बाद भाई अरे भाई 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 छोड़ दो, मुझे मत मारो, अरे मत मारो मुझे, कहाँ फंस गया मैं? कबड्डी कबड्डी कितने कबड्डी खेलूं, अरे मेरी आंखें, मेरे चश्मा, मुझे गुस्सा, मुझे मारो, मैं तुम्हारी साइड हूँ। अरे मेरे चश्मा कहाँ है? तूने तूने चश्मा लिया मेरा? मिल गया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तू आइए ले, अरे तुम तो अच्छे आदमी हो, सॉरी सॉरी, मारना मत। आज सुबह उठ के अपनी शक्ल देखी थी मैंने, ये सब तेरी वजह से हुआ, मुझे नहीं छोड़ना। अरे 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 क्या करना, देख तू मिल नहीं सकता, उसका सपना देख रही हूँ। चोट से नहीं लगी क्या? तेरी आँख आ गया पुलिस वाला, सावर कहीं का तेरी तो ये कालिया, मैं आ गया हूँ, ये ले। कलूटा, थैंक्स हाँ। भैया। कहाँ पर? हाँ,
मैं यहीं पर हूँ, तुम क्यों आ रही हो? मैं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, लाती हो तो ले आओ, मैं सारे कपड़े ले आता हूँ, ठीक है? ओके, रेडी हो जाओ, उसके बाद में फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम इनकार क्यों कर रही हो? भागते भागते थक गया, यहीं पे रेस्ट कर लेता हूँ। कितना मारते? अबे क्या हुआ? पूरा बदन तोड़ दिया, सिर्फ सिर को छोड़कर। सिर बाकी है? हो गया। ये चक्का चक्का। मुझे मत मारो, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मारे नहीं आता क्या? तुमको आता है क्या? मुझे दे बताती हूँ। अच्छा, तू जरा वहाँ देख, तो इसे इस तरह पकड़ा जाता है, वहाँ देखना। फिक्र मत करो डियर। ओके। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ए तू नालायक हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अरे माँ, अरे बाप रे, मैं तो गया। अरे मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। सिर घूम रहा है। एक और। से ट्राई कर रहे थे। सच में तुम अच्छी लग रही हो, ये ड्रेस ना बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर, ये नीला रंग, आई लव नीला रंग। कितना दुख रहा है। सप्पा जी, आपको पता है ना कि आपको खून किसने दिया है? इस सांप को दूध किसने पिलाया है? मुझे खून देने वाली वो महान हस्ती कौन है, ये तो बताओ डॉक्टर साहब। जल्दी बताओ ना, कौन है, मुझे एहसान का बदला चुकाना है। अरे मैं इस एहसान के बदले अपनी जान तक दे सकता हूँ डॉक्टर साहब। मैडम नहीं दिया है, सरोजा जी ने। ये भी? अरे मुझे खून दे के आज तुम मेरी सगी
सगी बहन बन गई हो, हमेशा खुश रहो बहन। किस्मत वाला है कि तेरे हाथों से मेरी मौत नहीं हुई, वरना तू मेरा भांजा नहीं बन पाता। ओ सगे मामा जी, ऐसे अच्छे टाइम पर एक सुपर एडवाइस दे रहा हूँ, जरा सुन लो। कल तक लड़ते रहे, आज मेरी माँ तुम्हारी सगी बहन बन गई। अब तो वो कुर्सी छोड़ दो, ये राजनीति वगैरह सब हमें ही करने दो, क्या कहते हो? hey, मेरा नाम क्या है पता है ना तुझे? हाँ, शेषप्पा। ये शेषप्पा से जान मांगता तो दे देता मैं। माना तेरी माँ से खून का रिश्ता जुड़ गया, लेकिन भांजा जैसा भी हो सौतेला ही है ना। अबे ओ ब्याज वसूली, आगे तेरा बुरा वक्त आने वाला है। ओ नहीं मामा जी, पहले तो चलने फिरने के काबिल बन जाओ, उसके बाद डायलॉग देना। एक तो पहले एक आँख खो चुके हो, भूल दोगे तो दूसरी आँख भी चली जाएगी। ए, चुकार! ए, 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 मुझसे देखो रहे मामा, चुप रहो, उससे टकराने की कोशिश मत करना। वो बड़े हैं बेटा, तू चुप हो जाना, शांत हो जा। इस शेषप्पा से बहस मत करना। सर उसका नाम मूर्ति है सर। कृष्णा, पापा को सब मूर्ति मूर्ति कहकर बुलाते हैं। तूने तो बताया था ना वो 50 साल का आदमी टकला है। वो कभी भी आता है तो ब्लैक टी पीता है। ब्लैक टी विदाउट शुगर। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं चलता हूँ। सॉरी सॉरी। पीएफ का पैसा लेने के लिए उन्हें कितने चक्कर लगाने पड़े? मुझे याद नहीं कि मैंने अपने बच्चों के लिए बचपन में कुछ ऐसा बड़ा किया। चेक तो नहीं लाए, वो कैश लेकर आए थे। मुझे 2 लाख दिए। मूर्ति जी कहाँ है? डॉक्टर के पास गए थे आप? सॉरी सर, पॉलिसी में कैंसर ट्रीटमेंट कवर नहीं होता। सर मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मांगा था। कंडीशन सप्लाई सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। वेरी सॉरी सर, ये लोन आपको सैंक्शन नहीं कर सकते। क्या सर, आज शनिवार है, जल्दी आ सकते थे ना? अरे चलना। सर ब्लैक में कितना है सर? पकड़, 5 लाख है। डरने की जरूरत नहीं है, अगर सब लोग 5 मिनट तक चुप रहेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इसमें कितना कैश है? 5 लाख। इसमें डाल दे। मुझे बस इतना ही चाहिए, मुझे तुम लोगों के पैसों की जरूरत नहीं। तुम सब जाकर अपनी फैमिली के साथ खुशियां मनाओ। अरे अब ताली तो बजा दो। ए! 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 ए!
साइलेंस। पापा को कैंसर है ये आपको पता भी नहीं था? सर मूर्ति घर की तरफ जा रहा है। सेंटीमेंट्स के लिए अब टाइम नहीं बचा है मूर्ति, सरेंडर हो जाओ। सर पांडियन मजाक मत कर वरना अच्छा नहीं होगा। अब तक कितनों को शूट कर दिया है हुँ? इस बार मैं एक शूट करूंगा। ए! मिस्टर सत्या आखिर में वहां क्या हुआ था? मूर्ति गन नीचे फेंको नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। आंडियन तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, बच्चे को बीच में से हटा दे। राकेश राकेश सर राकेश सर सर पांडियन सर सर से डरा रहा था कि
बच्चे को शूट कर दूंगा, लेकिन गलती से गन चल गई। सर राकेश, राकेश, राकेश। की जगह पर आईपीएस पांडियन को गोली लग गई और आपने खुद को बचाने के लिए गोली चला दी, है ना? हाँ सर। तुम्हारी बंदूक भी मूर्ति के पास थी, है ना? उसमें से 7 बुलेट्स को मूर्ति ने यूज किए सभी खून करने के लिए, और लास्ट बुलेट को आपने यूज किया उसे मारने के लिए। हाँ। आपके ऊपर जितने भी इल्जामात थे उसे खारिज किया जाता है और कमेटी सरकार से सिफारिश करेगी कि आप ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाएं। तुम्हें जॉब वापस मिल गई ना, अब तो थोड़ा हंस दो। क्या सोच रहे हो सत्या? नहीं कुछ नहीं। उस मूर्ति के बारे में? देखो सत्या, ज्यादा सोचो मत, ये सब एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। क्यों सत्या, तू मुझे नहीं मारना चाहता क्या? क्या है सर ये? सत्य, सत्य चलो उठ। छोटे से मदद कर दे। सर सत्या, मुझे लास्ट स्टेज लंग कैंसर था, मैंने क्यों अपने बच्चों को नहीं बताया? क्योंकि एक दिन अपने बच्चों को बात करते सुना कि मां रहती तो अच्छा अच्छा खाना बना कर देती, बच्चों की देखभाल करती, हमें आराम मिल जाता। ऊपर वाले ने मां की जगह बाप को क्यों नहीं उठा लिया? जब पता लगा कि मुझे कैंसर हो गया तो मैं बहुत खुश हुआ था। खुद के ट्रीटमेंट के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं जिंदगी से हार चुका था। सोचा जो थोड़े दिन बचे हैं उन्हें तो खुशी खुशी जी लूं। मैं एक शेर की मौत मरना चाहता था, पर अभी कुछ और ही हो गया। मैं पांडियन को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था सत्या, बस हड़बड़ाहट में गोली चल गई और
सीधा उसको लग गई, लेकिन राकेश का नसीब अच्छा है इसलिए वो बच गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत तकलीफ उठाई है सत्या, अगर तू मुझे अरेस्ट करके ले जाएगा तो मेरे बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी, वो तो टूट जाएंगे। मैं नहीं चाहता वो ऐसी किसी तकलीफ से गुजरे, तू बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे। तू मुझे खुद अपने हाथों से शूट कर दे प्लीज। सत्या एक बात बताना तो भूल ही गया, जिस ऑफिसर की वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई उस गुना को मैंने शूट कर दिया, और इस बात की मुझे खुशी है, अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूं। सत्या सिग्नल।